सुपर विलेंस पर भी बुरा वक्त आता है। हे, शांत हो जाओ। नहीं हो सकते। ठीक है, डाइवोर्स ले लेते हैं। प्रांकर, तुम बहुत बुरे हो। सब खत्म। जैसा तुम कहो स्वीटहार्ट, पर तुम्हें ये कमरा नहीं मिलेगा। तुम अपने सामान को अलविदा कह सकती हो। प्रांकर, रुक जाओ, मत करो। तुम मॉन्स्टर। पर देखते हैं कौन जीतेगा। तुम्हें ये शर्ट बहुत पसंद है ना? तो इसे अलविदा कह दो। तुम नहीं करोगी। पर हार्डी विन कुछ भी कर सकती है। एक मूव और टी शर्ट पोछे में बदल गई। तुम बहुत बुरी हो। टी शर्ट को दोबारा चिपकाया जा सकता है, पर प्यार वापस नहीं आ सकता। हमारी हैप्पी जिंदगी खत्म हो गई है और एक ही कीमती चीज बची है, बेड। नहीं प्रांकर, बेड मेरा होगा। लगता है टाई हो गया। हमें किसी और तरीके से ये मामला सुलझाना होगा। हनी, हम एडल्ट्स हैं, क्यों ना प्रॉपर्टी को बांट लिया जाए। अच्छा आइडिया है प्रांकर। बेड्स को काट कर अलग करना उतना मुश्किल नहीं है। कमरों को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। दूर रहो। ये कौन है? लिटिल बोबो मिलने आया है। प्रांकर, ये मेरा डॉग है। वापिस दो। हमें फिर से आरी चलानी होगी, वो हमेशा काम आती है। मॉम, डैड, रुक जाओ। बोबो मेरे साथ रहेगा, वो आपके साथ सुरक्षित नहीं है। जब पेरेंट्स का झगड़ा होता है तो बच्चों को बहुत बुरा वक्त देखना पड़ता है। मैं मॉम और डैड को एक करने में मदद कैसे कर सकती हूँ? अभी के पास एक कमाल का आइडिया है। उसके बुरे बर्ताव से उसके पेरेंट्स एक हो जाएंगे। चलो करें। मिस्टर जैक, आज की हिस्ट्री क्लास कैंसिल। चलो पार्टी करें। ओह, अभी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है और हम आपको सबसे बुरे टीचर का टाइटल दे रहे हैं। बहुत हो गया यंग लेडी, मुझे तुम्हारे हाँ जानती हूँ पेरेंट्स से बात करनी। आप उन्हें खुद कॉल कर सकते हैं। हेलो, क्या अभी के पेरेंट्स से बात हो रही है? प्रांकर और हार्डी विन आ गए। उन्हें बुरी खबर मिलने वाली है। उनकी बेटी को स्कूल से निकाला जा रहा है। उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं होने देंगे। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या तुम तैयार हो हनी? चलो करें। जब सुपर विलेंस एक साथ काम करते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मोमो डैड बहुत कमाल है। मिस्टर जैक, अब आपका घर जाने का वक्त है। बहुत बढ़िया, हाई फाइव। ओह हाँ, हमारा डाइवोर्स हुआ है। बदकिस्मती से एबी का प्लान फेल हो गया। टीवी टाइम पास करने का बहुत अच्छा तरीका है, पर एक प्रॉब्लम है। टीवी प्रांकर की साइन है। ये क्या? तुम्हें शो अच्छा लगा? फिर हमारी मूवी नाइट खत्म। तुम्हारे ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मुझे क्या मिला। ये तुम्हारा मनपसंद टॉय है ना? अगर मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं तो? कोशिश भी मत करना, उसे नुकसान मत पहुंचाना। मैं कमरे के दूसरे हिस्से में भी नहीं जा सकता। वहाँ जाना सही नहीं है। पेरेंट्स खिलौने भी बांट रहे हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। मॉम, डैड, देखो मेरे पास क्या है। देखो, आप इसमें कितने खुश हैं। अब आपको एक हो जाना चाहिए, स्वीटी। सब मॉमी और डैडी के कंट्रोल में है। चिंता मत करो। पर इन दोनों को कंट्रोल का मतलब भी नहीं पता। ये बहुत बुरी तस्वीर है, पर अगर इस पर थोड़ा काम किया जाए तो जरूर मास्टरपीस बनेगा। हाँ, प्रांकर और हार्डी विन कार्ड बहुत बुरा है। फैमिली बिखर गई। दुख तो बहुत हुआ, और दुख जाहिर करने के लिए सबसे सही जगह है कैफे। हे मैन, ये क्या? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका ही मेकअप है। सही कहा, आज लिपस्टिक ज्यादा लग गई। ओह नहीं, उसे अभी से हार्डी विन की आवाजें सुनाई दे रही है। सच में वो ही है। और किसके साथ? वो बैड बॉय के साथ डेट पर आई है। ये सुपर हीरोइक धोखा है, बर्दाश्त से बाहर है। हटो, बिल्डिंग में प्रोफेशनल है। बैड बॉय, काम पर लग जाओ, तुम्हारा सिग्नल बुला रहा है। जल्दी करो, काम कर गया। इस डेट को अब कोई नहीं बचा सकता। बैड बॉय बौखला रहा है। हार्डी विन, बाद में मिलते हैं। इस शहर को हीरो की जरूरत है। यहाँ क्या चल रहा है? जाहिर है ये प्रांकर ने किया होगा। तुम पछताओगे। तुम्हें इस डेट को बर्बाद करने की सजा मिलेगी। फैमिली का मूवी देखने जाना सबसे अच्छी चीज है, पर आज नहीं।
हार्डी बेन को अपनी फैमिली से दूर खास सीट मिली है। फ्रैंकर ने हद पार कर दी, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। हे दोस्त, तुम मुझे अपनी सीट दोगे? ऐसा सोचना भी मत लेडी। कुछ हो नहीं पाया, पर सुपर विलेंस हार नहीं मानते। हाथ ऊपर दोस्त, ये मेरी जगह है। फ्रैंकर भी आ गया, सोचना भी मत। ये लेडी यहाँ नहीं रह सकती, माहौल बहुत गर्म हो गया है। अब एबी को मामला संभालना होगा। मॉम, डैड, हिलने का सोचना भी मत, हम एक साथ मूवी देखेंगे। शांत हो जाओ बेटी, मॉम डैड जैसी हो तो बहुत कमाल होता है। टूटे हुए दिल के लिए केमिकल्स के टब में रिलैक्स करने से बेहतर और क्या होगा। अच्छी बात है फ्रैंकर यहाँ नहीं है, पर अभी अपने डैड को देखकर बहुत खुश है। अच्छा लगा आप आए, पर हम आज बाहर नहीं जा पाएंगे, आज मॉम का दिन है। वैसे ये रूल्स किसने बनाए? मैं संभाल लूंगा अभी, लगता है हार्डीविन बाथरूम में है, उसे यही रहने देते हैं। पर वाइफ कुछ भी कर सकती है, तो तसल्ली के लिए बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। अब बेहतर है, अब बाहर निकल कर दिखाओ बेबी, मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हो गया अभी, मॉम को कोई दिक्कत नहीं है। एडवेंचर के लिए तैयार हो, आज मॉम का दिन था। पर अब डैड का है और कोई चीटिंग नहीं की, बस एक प्रैंक है। पर हार्डीविन को बहुत गुस्सा आने वाला है। दरवाजा किसने बंद किया? हे, मुझे बाहर निकालो, कुछ गड़बड़ है। हाँ, प्रैंकर अभी को बाहर ले गया। मेरी बेटी वापस दो अभी। क्या हनी, हमें तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। चलो अभी, लगता है मॉम का मूड फिर से खराब है। कुछ बहुत बुरा हुआ, अभी के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छी बात है उसके पेरेंट्स आ गए, वो उसका हर मुश्किल घड़ी में साथ देंगे। वो पछताएगा अभी, वादा करती हूँ। रुको, इस लूजर से असली सुपर हीरो निपटेगा और वो मैं हूँ। क्या कहा, सुपर हीरो? मॉम अपनी बेटी का बदला लेगी। ये रहा धोखेबाज, हाँ यही है। पर यहाँ सिर्फ मॉम नहीं है, प्रैंकर भी है। टारगेट मिल गया, अब होगा हमला। पर बदले से पहले हम लड़ेंगे, इसे मैं देखूंगी, सोचना भी मत। और उसे भागने का मौका मिल गया, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इतनी जल्दी नहीं दोस्त, हमें बात करनी है। चिल्ला क्यों रहे हो, हम शायद थोड़ा भटक गए। क्या बात है, एबी खुद अपनी मुश्किलें सुलझा रही है। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दी है, एबी बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसी है। और आज के बाद हमारी बेटी के करीब मत आना, इस मामले में सीरियस कदम उठाने होंगे। मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके सीक्रेट डेट पर बुलाना होगा। हेलो डैडी, रात को मिल सकते हैं? बढ़िया, मैं अभी आती हूँ। हेलो मॉम, पार्क में मिले? आप नहीं आ सकती, और कल? डैड, कैंसिल हो गया, हम कल पार्क में मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। हेलो मॉम, कल लेट मत होना। डेट उन दोनों को एक करने के लिए हो रही है। मॉम आ गई, पर डैडी लेट है, हमेशा की तरह। डैडी, क्या सरप्राइज है, तुम भी आए हो, गले मिलने की अच्छी वजह है ना? आप दोनों बहुत प्यारे हैं। एक मिनट हो गया और आपने झगड़ा नहीं किया, बहुत हुआ गले मिलना। प्रैंकर, तुम पछताओगे कि यहाँ आए ही क्यों, निकल जाओ तो अच्छा है। वो फिर से शुरू हो गए, ये सब कब खत्म होगा? शांत हो जाओ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वो शूट कर रही है। चलो भागे, एक और प्लान बर्बाद हो गया, कोई नहीं हिलेगा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है लड़की, आप जानती हैं मेरे पेरेंट्स कौन हैं? स्टेशन जाकर पता कर लेंगे। डाइवोर्स बहुत दुख भरी बात है, वो बहुत खुश थे, उनके बीच बहुत प्यार था, और उनकी बेटी भी सबसे अच्छी है। हार्डी विन भी बहुत उदास है। मैं यही ढूंढ रही थी, एक सिंपल डेकोरेशन है, पर बहुत यादें भी।
शायद हमें वो सब भूल जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए, पर ये समय इन सब बातों का नहीं है। ये तो अभी है। रुको बेटा, मॉम और डैड मदद के लिए आ रही है। रोड पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तुम ठीक हो अभी? चोट लगी है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। शांत रहो अभी, हम आ गए। डॉक्टर, जिंदगी और मौत का सवाल है। खोलो, कौन है? अच्छा, मरीज को लेकर आओ। ओह, अभी को काफी देर हो गई। अगर डॉक्टर अच्छा ना हुआ तो? मुझे थोड़ा शक हो रहा है। चिंता मत करो हनी, हम एक साथ सामना करेंगे। अभी आ गई, शुक्र है तुम ठीक हो। पर इन जख्मों और खरोचों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि मोमो डैड का झगड़ा खत्म हो गया। आपको कौन सा सुपर विलन ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बेल दबाएं, ताकि आप हैप्पी एंडिंग वाली कोई नई फैमिली स्टोरीज मिस ना करें। ट्रूम ट्रूम वाओ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, एक साथ ज्यादा मजा आएगा।